और इस बीच एक और बड़ी खबर, राजधानी जयपुर से जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई है। अवैध कॉलोनी बसाने के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन 14 में 4 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। सीसीई महेंद्र शर्मा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अभी भी ये कार्रवाई चल रही है। ग्राम मानपुर टीलावाला में डिग्गी रोड पर 15 बीघा, ग्राम मानपुर टीलावाला के पीछे एलएनटी रोड पर करीब 3-4 बीघा, ग्राम बनियावाली से डाबला खुर्द जाने वाली रोड पर करीब 1.5 बीघा, ग्राम बनियावाली के पास एलएनटी रोड पर 2 बीघा पर तैयारी थी कॉलोनी के लिए। सड़क और दीवारों का भी निर्माण किया गया था। परिवर्तन दस्ता अब इस निर्माण को ध्वस्त कर रहा है जो कि अवैध रूप से बना दिया गया था। ग्राम मानपुर टीलावाला के पीछे 3-4 बीघा पर अवैध निर्माण, ग्राम बनियावाली से डाबला खुद जाने वाली रोड पर भी करीब 1.5 बीघा, ग्राम बनियावाली के पास एलएनटी रोड पर 2 बीघा पर यह तैयारी थी अवैध निर्माण की। दीवारें बना दी गई थी, सड़क तैयार कर दी गई थी, लेकिन अब उसे ध्वस्त किया जा रहा है। कॉलोनी बनाने की फिराक में थी, वो भी अवैध रूप से। परिवर्तन दस्ता अब इस निर्माण को ध्वस्त कर रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। जेडीए की तरफ से प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अवैध कॉलोनी बसाने के खिलाफ ये कार्रवाई, जोन 14 में 4 स्थानों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक साथ 4 स्थानों पर दबिश दी गई। सीसीई महेंद्र शर्मा के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और जो अवैध रूप से निर्माण कर दिया गया था उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अवैध कॉलोनी बसाने के लिए राजधानी जयपुर में इस तरह की कार्रवाई जारी। अवैध निर्माण की तस्वीरें जरा देखिएगा, ध्वस्त किया जा रहा है उस अवैध निर्माण को। पीला पंजा चलता हुआ जेडीए के प्रवर्तन दस्ते का, तस्वीरें जरा देखिएगा। अब ये जो दूसरे अवैध निर्माणकर्ता है उनके लिए ये साफ तौर पर तस्वीरें सबक सिखाने के लिए काफी है कि आपकी मेहनत और पैसा ही खराब जाएगा, क्योंकि एक तो आपको बार बार नोटिस दिया जा रहा है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब जेडीए ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है अवैध निर्माण के खिलाफ और लगातार ये अभियान जारी है। उस कार्रवाई के तहत सफलता मिलती भी नजर आ रही है। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता। अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।